इस शो में मैं कुछ फ्रेश गज़लें गा रहा हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, फ्रेश कॉम्पोजिशंस के साथ, और कुछ मेरे कुछ सूफ़ी गाने भी गाऊँगा जो मुझे फरमाइश है कि आप गाएं ज़रूर। तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ये एक शाम, एक यादगार शाम हो सके। गज़ल का जो जादू है, गज़ल एक ऐसा जॉनर है कि जो बहुत सुकून देता है। संगीत में गज़ल एक ऐसा जॉनर है जो किसी भी मूड में आदमी सुन सकता है, किसी भी मूड में आदमी सुन सकता है। और मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि मैं थोड़ा बहुत जुड़ा हूँ उस कलर के साथ, उस जॉनर के साथ मैं जुड़ा रहा बचपन में। तो आज मुझे वो थोड़ा सा काम आ रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि वो रंग अच्छे से अच्छा पेश कर सकूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी रहिए, खुश रहिए, म्यूज़िक में रहिए, म्यूज़िक गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए और मस्त रहिए। खजाना 2015, उसमें नई सबसे नई बात यह है कि इस खजाना का नाम ही हमने रखा है फ्रॉम लेजेंड्स टू जनरेशन नेक्स्ट। तो ये खजाना जो है उसमें हम खजाना के ज़रिए हम दुनिया को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि गज़ल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही गा सकते हैं, बच्चे भी गा सकते हैं। तो अब की बार हमने 4 बच्चों को इसमें शामिल किया है और बहुत अच्छी गज़लें गाते हैं ये बच्चे, और इससे ये साबित होगा कि गज़ल जो है वो न सिर्फ बड़े लेकिन बच्चे भी गाते हैं, और ये हमारा भविष्य है, यही बच्चे जो हैं वो गज़ल को आगे लेके जाएंगे। कार्यक्रम में एक तो हम एक मेडली पेश करने जा रहे हैं जिसमें सारे आर्टिस्ट इस खजाने के जितने कलाकार हैं, जिसमें रेखा भारद्वाज, अनूप जलोटा, तलत अजीज़, जावेद अली और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो और बच्चे सब एक साथ में स्टेज पे आएंगे और एक पूरा आइटम साथ में पेश करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि गज़ल जो है वो आज भी ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा थी और आने वाले कल भी ज़िंदा रहेगी ज़रूर।